एनर्जी बार बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है ओट्स। अब ओट्स काफ़ी तरीकों के मिलते हैं, जैसे कि रोल्ड ओट्स, इंस्टेंट ओट्स, स्टील कट ओट्स। तो मैं इस रेसिपी में दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है रोल्ड ओट्स। अगर आपको अपने एनर्जी बार्स में बाइट पसंद है तो आप रोल्ड ओट्स से बना सकते हैं। अगर आपको चुई पसंद है तो आप इंस्टेंट क्विक ओट्स से बना सकते हैं। और अगर आपको दोनों ही पसंद है तो आप मेरे तरीके से 50-50 यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोल्ड ओट्स को हल्का पैन में डाल के रोस्ट कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए हमारे रोल्ड ओट्स में कलर आ चुका है। इसको अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब मैंने यूज किया है इंस्टेंट ओट्स, तो ये रोल्ड ओट्स का और भी महीन वाला वर्जन है। आप चाहे तो इस रेसिपी में कोई भी ओट्स यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है और आपका आपके अवेलेबिलिटी में क्या भी है। तो आप 50-50 भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी भी ओट्स से ये रेसिपी को बना सकते हैं। तो अब मैंने इस वाले ओट्स को भी रोस्ट कर लिया है। ये करीब 30-40 सेकेंड्स में रोस्ट हो जाएंगे। अगर आप इस रेसिपी को रोस्ट किए बिना भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ओट्स को रोस्ट करते हैं तो इसका एक तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है और ये खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमारे ओट्स जो है अब अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसी पैन में मैं लूँगी कुछ मिक्स्ड सीड्स। तो यहाँ पे मैंने फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लिया है। आपके घर पर ये अवेलेबल है तो आप डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सीड्स को भी हम हल्का हल्का टोस्ट कर लेंगे। किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा नहीं टोस्ट या रोस्ट करेंगे जिससे कि वो जल सकता है। तो यहाँ पे हमारे जो सीड्स है देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। फ्लैक्स सीड्स अब उछलने लग गई है, यानी कि वो रेडी है। तो इन सब चीज़ों को हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब उस पैन में हम लेंगे पीनट बटर। तो पीनट बटर जो आप ले, ध्यान दें कि वो नेचुरल पीनट बटर हो, जिसमें ना चीनी हो और ना ही नमक हो और अनस्वीटेंड हो। तो ये पीनट बटर काफ़ी अच्छा होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रोस्टेड पीनट्स होते हैं। यह आपको ऑनलाइन में काफ़ी डिस्काउंट में भी मिल जाता है, तो मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक कप भर के पीनट बटर का यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे कि इस पीनट बटर को पैन में डाल के हल्का मेल्ट कर लेंगे। तो पैन का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि पीनट बटर जो है वो जल सकता है। और इसको हम इस तरीके से चलाएंगे ताकि वो पीनट बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। पीनट बटर में ढेर सारा प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होता है। तो इस रेसिपी में काफ़ी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे एंड होल इंग्रेडिएंट्स। कुछ भी मिलावट हम नहीं ऐड करेंगे, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि मार्केट वाले जो एनर्जी बार्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स मिक्स्ड होते हैं। लेकिन इस रेसिपी में हम बिल्कुल ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। तो सबसे बेस्ट बात यह है कि इस रेसिपी में आपको पता है कि आप अपने एनर्जी बार्स में क्या डाल रहे हैं। तो देखिए हमारा पीनट बटर मेल्ट हो चुका है, उसको अब हम अपने प्रिपेयर्ड मिक्सचर के ऊपर पोर कर देंगे। ये पीनट बटर इस एनर्जी बार को बाइंड करने में हेल्प करेगा और इसे एक अच्छा सा टेक्सचर भी देगा। तो अच्छे से पैन को क्लीन करके सारा पीनट बटर निकाल लीजिए। अब मिठास के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शहद यानी हनी। आप चाहें तो मेपल सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस एनर्जी बार में आई रिकमेंड कि आप किसी भी तरीके का चीनी या फिर स्टीविया भी ऐड ना करें, उससे इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता है। तो कोशिश करें कि आप इसमें हनी यूज़ करें। तो ये गया हमारा हनी इसके अंदर।
अब फाइनली मैं इसमें डालूंगी कुछ ब्लैक रेजन्स। ये सब ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स है, आप चाहे तो ऐड करें या ना करें। ये मेरे पास है कुछ ड्राइड क्रैनबेरीज। तो बेसिकली जो प्रोटीन बार या एनर्जी बार हम बना रहे हैं उसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स है ओट्स, पीनट बटर और हनी। लेकिन आप इसके अलावा कुछ भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट चिप्स पसंद है तो आप चॉकलेट चिप्स ऐड कर दीजिए। अगर आपको कोई भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है जैसे काजू, किशमिश, बादाम, आप वो डाल सकते हैं। लेकिन मुझे अभी इस वेरिएंट में बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स का पता चलता है, तो मैं ये वाला वेरिएंट मेरा पर्सनल फेवरेट है जिसमें ढेर सारा नट्स है, ढेर सारी सीड्स है, ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स है। तो एक पैन को हम ग्रीस कर लेंगे और हमारे बनाए हुए मिक्सचर को उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन हो चुके थे। तो देखिए इस तरीके से अब हम इस मिक्सचर को टिन के अंदर डाल के सेट कर लेंगे। तो अपने हाथों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि ये इस समय थोड़ा सा स्टिकी होता है। और इसको अब अच्छे से फ्लैट कर देंगे, इवन कर देंगे। तो लीजिए हमारा एनर्जी बार विद नट्स एंड सीड्स बन के रेडी है। इसको अब हम फ्रिज में डाल के सेट करेंगे और जब ये सेट हो जाएगा तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 घंटे सेट कर दिया था और अब हम इसको अच्छे से अपने शेप्स के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं एनर्जी बार्स के लंबे लंबे बार्स कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये एनर्जी बार्स इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में कि आप लिटरली इसको यूज़ करके अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मार्केट वाले एनर्जी बार से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इसको आप बनाना इतना ज़्यादा आसान होता है। प्लस मार्केट वाले प्रोटीन बार्स काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, तो ये वाला जो रेसिपी है इससे आपके प्रोटीन बार्स बिल्कुल रीजनेबल रेट में बन जाते हैं। तो देखिए हमारा टेस्टी डिलिशियस माउथ मेल्टिंग एनर्जी बार्स विद नट्स एंड सीड्स बन के बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे फ्यूचर के वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तो सबसे पहले एक बोल ले लेंगे और उसमें मैं ऐड करूंगी क्विक ओट्स। तो इस रेसिपी में आप क्विक ओट्स की जगह पे रोल्ड ओट्स भी ले सकते हैं, यानी कि ओल्ड फैशन ओट्स। लेकिन इस रेसिपी में आप स्टील कट ओट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आप इसमें रोल्ड ओट्स या फिर आप इसमें इंस्टेंट ओट्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालूंगी मैं ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स। तो फ्लैक्स सीड्स बहुत ही अच्छे हेल्दी फैट्स होते हैं, इसमें ओमेगा 3 बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये है नॉर्मल फ्लैक्स सीड्स, इसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। तो अगर आप 1/4 कप फ्लैक्स सीड्स को ग्राइंड करेंगे तो आपको 1/2 कप के करीब फ्लैक्स सीड्स मिल जाएगा। तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इस रेसिपी में जाएगा पीनट बटर। ये मेरा घर पे बनाया हुआ पीनट बटर है। इसको घर पे कैसे बनाते हैं उसका रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप मार्केट में इसे लाते हैं तो मेक श्योर कि उसमें सिर्फ पीनट्स हो और कुछ भी ना हो। तो ये नेचुरल पीनट बटर है, इसको भी मैं इस मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, अगर आप मार्केट से पीनट बटर लाते हैं तो वो बिल्कुल अनस्वीटेंड होना चाहिए और उसमें जो आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रोस्टेड पीनट्स होने चाहिए और कुछ भी नहीं होने चाहिए। तो मेक श्योर आप शुगर फ्री वाला पीनट बटर ला रहे हो अगर आप मार्केट से ला रहे हो। तो इन सब चीज़ों के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये काफ़ी डिस्काउंटेड पैक है जो मैंने मार्केट से ख़रीदा था। इसके बाद इस रेसिपी में जाएगा हनी।
ये मैंने 1/3 कप हनी लिया है। अगर आपके पास ऐसे मेजरिंग कप्स ना हो तो आप एक कोई भी कटोरी ले सकते हैं या फिर एक बाउल ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप सारे मेजरमेंट्स को डाल सकते हैं। आप इस रेसिपी में हनी की जगह पे मेपल सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हनी मैं स्वीटनेस के लिए डाल रही हूँ। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है चॉकलेट चिप्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, आप ना चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब बस हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस तरीके का सिलिकॉन स्पैटुला भी ले सकते हैं या फिर आप एक चम्मच की मदद से भी इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इस रेसिपी में हमें गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही क्विक रेसिपी है। अगर आप इसको तुरंत बनाना चाहें तो आप तुरंत बना के तुरंत ही कंज्यूम कर सकते हैं। और ये परफेक्ट स्नैक है आपके बच्चों के लिए या फिर कोई भी हेल्दी डेजर्ट खाने का अगर मूड करे तो ये बिल्कुल टेस्टी लगता है। या फिर अगर आप जिम जाते हैं तो आप इसको प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट भी एज अ स्नैक ले सकते हैं। तो आप इसको जैसे जैसे कंबाइन करेंगे ये मिक्सचर एक साथ बनते रहेगा। तो आप इसको अच्छे से इस तरीके से दबा दबा कर मैश कर लीजिए और देखिए मिक्सचर हमारा एक साथ आ रहा है। इसमें फ्लेवरिंग के लिए आप वनीला एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ज़रा सा वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हमारा मिक्सचर अच्छे से कंबाइन हो चुका है और अगर आप देखेंगे ये इस वक्त बिल्कुल स्टिकी लग रहा है। तो ये देखिए जो मिक्सचर है अच्छे से अब बाइंड हो जा रहा है। इसमें हमने कुछ भी एडिशनल बाइंडिंग एजेंट नहीं डाला है। जो हनी और पीनट बटर हमने ऐड किया था वो इसमें बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर ला देता है। तो ये देखिए आप इस तरीके के बॉल्स बना सकते हैं या फिर आप इसके बार्स भी बना सकते हैं और इसको आप काफ़ी लंबे समय तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं इसके छोटे साइज़ के बॉल्स बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम इसके बॉल्स बना लेंगे। तो आप इन एनर्जी बॉल्स या प्रोटीन बॉल्स को अच्छे से बनाकर एक एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और जब मन चाहे तब आप इसमें स्नैक कर सकते हैं। ये बहुत ही डिलिशियस होते हैं, बहुत ही हेल्दी है। इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर या प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। काफ़ी हेल्दी रेसिपी है और इस रेसिपी को आप जब ट्राई करके देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतना पसंद आएगा आपके बच्चों को भी, क्योंकि काफ़ी दिखने में भी क्यूट लगता है और खाने में इसमें हमने चॉकलेट चिप्स भी डाला है। तो ये देखिए हमारे नो बेक नो कुक प्रोटीन बार्स या बॉल्स बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही डिलिशियस टेक्सचर इसका है। तो हमारा नो कुक हाई प्रोटीन लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है। इसको हम स्टोर कर लेंगे एक कांच के या फिर किसी भी अच्छे एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज के अंदर। ये काफ़ी लंबे समय तक, एटलीस्ट 2 to 3 months, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा डेयरी प्रोडक्ट या फिर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ किया है जो कि जल्दी से स्पॉइल हो जाए। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस हाई प्रोटीन डिलिशियस ओट्स लड्डू को और मेरे साथ अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो हमारा तीसरा वर्क फ्रॉम होम रेसिपी है इंस्टेंट प्रोटीन बार्स। ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट रेसिपीज़ है और इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप इसको काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक पैन लूँगी और उसमें डालेंगे पीनट बटर। ये मैंने घर पे बनाया हुआ पीनट बटर लिया है, इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसमें ऐड करेंगे हनी। तो अभी मैंने पैन का फ्लेम ऑन नहीं किया है और बिल्कुल अब लो फ्लेम में इसको हमें मेल्ट करना है। ध्यान रहे कि इसको आप कुक ना करें, कुक करने से ये जल सकता है, तो इसको बिल्कुल मेल्ट करना है। तो पैन का फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और
देखिए इस तरीके से आप अगर इसको चलाते रहेंगे तो हनी और पीनट बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे ओट्स, तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ओट्स लिया है और मैंने इसको सेका नहीं है। और इसमें हम ऐड करेंगे क्रश किया हुआ आलमंड्स, तो मैंने आलमंड्स को मिक्सी में पीस लिया था। और इसमें हम डालेंगे फ्लैक्स सीड्स, तो यहाँ पे आप इस रेसिपी में कुछ भी अपने पसंद का डाल सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी नट्स डाल सकते हैं, कोई भी सीड्स डाल सकते हैं, या फिर आप डेट्स भी डाल सकते हैं। तो बहुत वर्सेटाइल रेसिपी है और इस रेसिपी को आप बना के काफ़ी लंबे समय तक फ्रिज में भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता ये। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको एक ट्रे या प्लेट में निकाल लेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। और फैलाने के बाद इसको हल्का सा जमने देंगे। तो ये देखिए मैंने एक अच्छा सा स्क्वायर बना लिया है। और इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे थोड़े से और आलमंड्स के साथ जो मैंने मिक्सी में पीस लिया था। तो इस रेसिपी को आप एज अ प्री वर्कआउट स्नैक या पोस्ट वर्कआउट स्नैक या फिर सुबह ब्रेकफास्ट में इन बिटवीन मील्स में जब भी भूख लग रहा हो या फिर स्वीट टूथ आपका है और आपको डेजर्ट खाने की क्रेविंग्स हो रही हो तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है उस टाइम के लिए। एंड इसमें काफ़ी हाई प्रोटीन है, हाई एनर्जी है, तो आपको बहुत अच्छा एनर्जी बूस्ट मिलेगा इस रेसिपी से। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे इस लॉकडाउन में और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। सबसे पहले हम लेंगे ओट्स, तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ओट्स यूज़ किया है। आप कोई भी वेरिएंट का ओट्स ले सकते हैं क्योंकि हम इसको रोस्ट करके पीस लेंगे। तो ये करीब मेरे पास 2 कप ओट्स यानी कि 200 ग्राम ओट्स है। इसको हम मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, और इसको साइड रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे आलमंड्स। तो इस रेसिपी में मैंने नट्स के लिए आलमंड्स यूज़ किया है यानी बादाम यूज़ किया है। आप चाहे तो काजू, पिस्ता, वॉलनट या कोई भी और ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमंड्स हमारे अच्छे से क्रंची हो चुके हैं, इसको भी हम साइड में रख लेंगे। अब हम रोस्ट करेंगे कुछ मिक्स्ड सीड्स। तो ये मैंने मिक्स्ड सीड्स का पैकेट लिया था, उसमें हमने डाला है सनफ्लावर सीड्स, तिल, और ये इसमें काफ़ी सारे और भी सीड्स हैं जैसे कि चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है। तो इन सब को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि हमारे सीड्स चटकने ना लग जाए। तो ये देखिए जो हमारे सीड्स है वो अच्छे से चटकने लग गए यानी कि वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए जो फ्लैक्स सीड्स और तिल है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। लास्ट में हम लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। ये बिल्कुल ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम बहुत ही कम समय के लिए रोस्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो ये भी रेडी हो चुका है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक के बाद एक पीस लेंगे। तो ओट्स का हम एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम ओट्स का पाउडर बना लेंगे। अब हम लेंगे आलमंड्स, और आलमंड्स को हम ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, आलमंड्स को हम बहुत ही कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल दरदरा पीसना है क्योंकि हम उसका बाइट चाहते हैं लड्डू में, जो कि बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम जो आलमंड्स है उसको बहुत ही दरदरा सा इस तरीके से पीस लेंगे। अब हम अप लेंगे अपना सीड्स, सीड्स को भी हम बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे। तो इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसमें क्वांटिटी का आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपके पास जो जितना है, जो अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है उतना यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसमें हम ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब हम लेंगे घी एक पैन में
तो मैंने इस रेसिपी में ज़्यादा घी यूज़ नहीं किया है। ये करीब मैंने 3 से 4 चम्मच घी लिया है और ये मेरे पास है गुड़। तो गुड़ को मैंने रफली चॉप कर लिया था और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा पीनट बटर। तो ये मेरे पास नॉर्मल पीनट बटर है, ये मैंने ऑप्शनल इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ किया है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100% नेचुरल अनस्वीटन पीनट बटर का यूज़ किया है। इससे लड्डू में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जब ये सब चीज़ें मेल्ट हो जाए तो हम लड्डू के मिक्सचर के ऊपर इस मिक्सचर को डाल देंगे और हम इसको करीब 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, जब तक कि ये वार्म नहीं हो जाता, ताकि हमारे हाथ जो है वो जल ना जाए। तो इसको हल्का हल्का ठंडा होने दे दीजिए, जब तक कि आप इसको टच करके देखें तो आराम से आप इसको टच ना कर पाए। तो ध्यान दीजिए कि आपका हाथ ना जल जाए, तो इसको हल्का सा ठंडा पहले कर लीजिए और फिर हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सचर जो है इस वक्त काफ़ी ड्राई है और इसको बांधने के लिए हम ज़्यादा घी ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा घी वाला हो जाएगा। तो हम इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे हल्का सा और गरम घी डाल दिया है। तो टोटल में मैंने करीब इस रेसिपी में 4 से 5 चम्मच घी का यूज़ किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना घी में ये लड्डू नहीं बनेगा क्योंकि अभी भी बहुत ड्राई है, इसमें ओट्स बहुत ही ज़्यादा है तो ये टूट जा रहा है। तो इस रेसिपी में हम बाइंड करने के लिए डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मेरे पास गरम गरम दूध है जिससे हम एक इस लड्डू को बांधेंगे। तो इस वक्त मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका लड्डू का शेल्फ लाइफ बहुत इंक्रीज़ हो जाए तो आप इस रेसिपी में घी और गुड़ का मात्रा बढ़ा दीजिए और आप इसमें दूध का इस्तेमाल मत कीजिए। और अगर आप इस लड्डू को 1 हफ्ते के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं तो आप इस रेसिपी में इस तरीके से दूध से इस लड्डू को बाइंड कर सकते हैं, उससे आपको घी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और आपका लड्डू जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि इसमें हमने दूध ऐड कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लड्डू बहुत लंबे समय तक चले, जैसे कि 2 महीने तक चल जाए, तो आप इसमें दूध की जगह और भी ज़्यादा गर्म घी और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी इजीली बाइंड हो जाएगा। तो देखिए, दूध डालने के साथ साथ ये लड्डू बहुत ही आसानी से बंधने लग गए हैं। तो इस लड्डू को आप आराम से फ्रिज में डाल के 7 से 10 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ घी का इस्तेमाल करेंगे तो ये लड्डू आराम से रूम टेम्परेचर में 1.5 से 2 महीने तक चल जाती है। लेकिन उसमें जो है आपका घी का क्वांटिटी ज़्यादा लगेगा, तो आपको जैसे भी बनाना हो आप वैसे बना सकते हैं। तो मेरे मीडियम साइज़ के ओट्स, नट्स एंड सीड्स लड्डू बिल्कुल रेडी है इस विंटर सीजन के लिए। बहुत ही ताकत वाला होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और स्पेशली आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर एज अ इवनिंग स्नैक खा सकते हैं। कोई भी आप टाइम पे इसको ले, बहुत ही हेल्दी है, बहुत टेस्टी भी होता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी चीज़ पर डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। तो हमारा टेस्टी लड्डू कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।